हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स के सीरीज़ टू में हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने कंडीशन क्या होती हैं उसको समझा था, और प्रोग्रामिंग में कंडीशंस कैसे आ सकती हैं वो समझा था, और उसको डील करने के लिए हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं उसके बारे में जाना था, और कौन कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं उनके बारे में जाना था। आज हम लोग उन्हीं कंडीशनल स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे और समझेंगे कि वो कैसे काम करते हैं और हमें कब किस स्टेटमेंट का यूज़ करना चाहिए। तो हमने जाना था कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इफ़ स्टेटमेंट आते हैं, और इफ़ स्टेटमेंट के कई सारे भाई बहन होते हैं, मतलब ये कि कई सारे स्टेटमेंट्स उसके अंदर होते हैं, जैसे कि सिंपल इफ़, इफ़ एल्स, इफ़ एलिफ, मल्टीपल इफ़ और नेस्टेड इफ़। तो हमें इन सभी को एक्सप्लोर करना है, इनके बारे में जानना है कि ये कैसे काम करते हैं और कब इनको यूज़ किया जाता है। तो अगर हम बात करें, स्टार्ट करें कि सबसे पहला जो होता है, तो आपको पता है कि सबसे पहला जो है वो सिंपल इफ़ है। तो सिंपल इफ़ का मतलब होता है कि जब आपके प्रोग्राम में एक कंडीशन हो। तो अगर आपके प्रोग्राम में सिर्फ एक ही कंडीशन है, तो उस टाइम पर आप सिंपल इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करोगे, और सिंपल इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करके अपने उस सिचुएशन को डील करोगे। तो सिंपल इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ आप क्या करने वाले हो, वन कंडीशन को हैंडल करने के लिए करने वाले हो। तो एक कंडीशन का मतलब क्या, जैसे कि आपसे कोई बोलता है कि यूज़र एक नंबर इनपुट करेगा, आपको बताना है कि वो नंबर पॉजिटिव है। तो यहाँ पर बस एक ही कंडीशन है कि हमें बताना है कि वो नंबर पॉजिटिव है बस। तो उस केस के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ सिंपल इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ सिंगल कंडीशन आ रही है। तो हमें अगर सिंटेक्स की बात करें, सिंपल इफ़ स्टेटमेंट के सिंटेक्स कैसा होता है, तो सिंटेक्स इसका कुछ ऐसा होता है कि हम लिखना होता है इफ़, इफ़ के बाद हम एक ब्रैकेट लगाते हैं, और इसके ब्रैकेट में लिखते हैं एक कंडीशन। कंडीशन वो होती है जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स बने, तो वो एक कंडीशन है। अगर किसी स्टेटमेंट का जो आंसर है वो ट्रू या फॉल्स नहीं बन रहा है, तो वो एक कंडीशन नहीं मानी जाती है, क्योंकि कंडीशन के आंसर यस और नो, ट्रू या फॉल्स में आते हैं। तो यहाँ पर सिंटैक्स है कि इफ़, उसके ब्रैकेट में कंडीशन लिखनी होती है। कभी कभी हम इन ब्रैकेट्स को इग्नोर कर सकते हैं, अगर आप ये ब्रैकेट नहीं भी लगाते तो चलता है, बस कंडीशन प्रॉपर होनी चाहिए, या फिर आप ब्रैकेट लगा देते हो तो और अच्छी बात है, ताकि वो सेपरेटली दिखे। इसके बाद सिंटैक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक कॉलन साइन होता है, जिसके बाद हम एंटर प्रेस करते हैं, और हमें जो कि आपको पता ही है कि पाइथन में इंडेंटेशन का बहुत ख्याल रखना होता है। तो जब हम इफ़ स्टेटमेंट के अंदर कुछ लिखेंगे, तो वो इफ़ के थोड़ा सा अंदर साइड होगा, बिल्कुल किनारे से, यानी कि इफ़ की सीध में नहीं होगा। अगर आपने बिल्कुल सीध में लिखा तो वो फिर इफ़ के अंदर नहीं माना जाएगा। तो ये हो गया हमारा इसका सिंटेक्स कि कैसे हम इसको लिखते हैं। तो इफ़, उसके ब्रैकेट में कंडीशन, फिर यहाँ पर कॉलन साइन, ये मस्ट है, और फिर नीचे स्टेटमेंट्स जो आपको एग्जीक्यूट करवाने हैं। ओके, हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे, और तब हमें क्लियरिटी होगी कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम फ़िलहाल में इसको कमेंट लाइन बना देते हैं सभी को, ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो सके। तो हम यहाँ पर इसको कमेंट लाइन बना देते हैं। ओके, चलिए हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, और उसके थ्रू समझेंगे कि कैसे हम लोग एक प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर एक नंबर का इनपुट लेके बताएंगे कि वो पॉजिटिव है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक नंबर का इनपुट लेते हैं। तो आपको पता ही है कि इनपुट कैसे लेते हैं, क्योंकि हमारे पिछले वीडियोज़ में हमने बताया हुआ है कि हम कैसे प्रोग्रामिंग में इनपुट लेते हैं। अगर आपने सारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ स्टार्टिंग से सारे वीडियो देखो, तो आपको समझ में आएगा कि हम ये यहाँ पर क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक नंबर का इनपुट लेते हैं, एन इक्वल इंट ब्रैकेट में इनपुट। उसके बाद हमने यहाँ ब्रैकेट में एक मैसेज डाला, एंटर आ नंबर। तो हमने यहाँ पर मैसेज दिया एंटर अ नंबर, एन इक्वल इंट इनपुट एंटर अ नंबर। हमें क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन ये बोला गया है कि नंबर का इनपुट लेके चेक करके बताना है कि वो नंबर पॉजिटिव है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी नंबर पॉजिटिव कब होता है, तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो जितनी भी प्लस वाली वैल्यूज़ हैं वो सब पॉजिटिव होती हैं, और प्लस वाली सारी वैल्यूज़ जीरो से स्टार्ट होती हैं, यानी कि जीरो और जीरो के बाद वाले जितने भी नंबर्स हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं, और जीरो से पहले जो नंबर पढ़ते हैं वो सब माइनस वाले होते हैं, और उनको नेगेटिव बोला जाता है। तो यहाँ पर हमें कंडीशन समझ में आ रही है, वो क्या है कि यदि जो एन में वैल्यू यूज़र डालेगा, हमें पता नहीं कि यूज़र क्या डालने वाला है, पर वो जो भी डालेगा वो अगर बड़ी होगी या बराबर होगी जीरो के, तो हम उसको पॉजिटिव बोल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जीरो को भी अभी पॉजिटिव में शामिल किया, तो हमने कंडीशन लगाई एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो, देन हम यहाँ पर एक प्रिंट लिखेंगे, और उस प्रिंट के ब्रैकेट में यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं पॉजिटिव। इफ़ एन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो देन प्रिंट पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने एक स्टेटमेंट लिखा है जो कि इफ़ के अंदर है, और ये जो स्टेटमेंट है वो अभी इफ़ के कंट्रोलेशन में है। जब इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं है तो उसका जो अंदर का स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा।
चलिए इसको हम लोग रन करके भी देख लेते हैं कि कैसे ये चलेगा। तो हम लोग F5 प्रेस करते हैं और हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो ये हमसे फाइल सेव करने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पे सेव कर देते हैं इसको। हम यहाँ पे लिखते हैं F1। इसको हमने सेव किया और हमने इसको रन किया, तो देखो यहाँ पर नंबर मांग रहा है। अभी हम एक पॉजिटिव नंबर डालते हैं, सेम डाला 12। तो हमने जैसे ही एंटर किया तो इसने एक मैसेज दिया पॉजिटिव। क्यों दिया? क्योंकि हमने जो नंबर डाला है वो एक पॉजिटिव नंबर है। हम इसको दोबारा से एक बार फिर से रन कराएंगे, तो हम यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर देते हैं, जैसे कि -13। तो हम एंटर करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे प्रोग्राम से कोई आउटपुट नहीं आया। और आउटपुट ना आने का रीज़न ये है कि हमने एक नेगेटिव वैल्यू दी है, जिसकी वजह से जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई। क्योंकि अगर इस पर आप कंडीशन पे अप्लाई करोगे -13, एन की वैल्यू -13 है, तो यहाँ पर रखनी पड़ेगी -13 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल 0। तो -13 बड़ा या बराबर नहीं होता है 0 के, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। और फॉल्स होने के बाद प्रिंट में ये मैसेज देगा पॉजिटिव, सॉरी फॉल्स हो गई है, तो वो अंदर जा नहीं पाएगा और ये मैसेज प्रिंट नहीं हो पाएगा। लेकिन इससे पहले जब हमने पॉजिटिव नंबर दिया था, तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि पॉजिटिव नंबर देने की वजह से ही कंडीशन ट्रू हो गई थी और वो इफ के अंदर आके उसने इस मैसेज को दिया था। इसलिए पहली बार हमारा आंसर पॉजिटिव आया। जब हमने दोबारा से रन कराया तो हमारा कोई आंसर नहीं आया, क्योंकि हमने नेगेटिव नंबर दिया था और ये कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स। तो फिलहाल में क्या है कि जो इफ़ स्टेटमेंट होता है, इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास सिंगल कंडीशन हो। अगर हमारे पास दो कंडीशन आ रही हैं, जैसे कि अगर इसी क्वेश्चन बोल दिया जाए कि सर ये थोड़ा अधूरा अधूरा लग रहा है, अगर हम पॉजिटिव नंबर डालें तो मैसेज दे दे पॉजिटिव, अगर हम नेगेटिव नंबर डालें तो वो मैसेज दे नेगेटिव। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ पर दो कंडीशन है कि जो नंबर यूज़र ने इनपुट किया है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब दो सिचुएशन है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो आपको ऊपर सिखाया गया था, बताया गया है कि जो दो कंडीशन होती हैं तो उस टाइम पर हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ हम तब करते हैं जब दो कंडीशन हो। तो अभी हमारे करंट प्रोग्राम में जो हम देख रहे हैं उसमें दो कंडीशन हमें दिखाई दे रही हैं कि नंबर या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो अब दो कंडीशन है, तो उस टाइम पर हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम ज़रा सीख लेते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स है वो कैसे होता है। तो हम यहाँ पे इफ़ एल्स का भी सिंटेक्स लिख देते हैं इसके नीचे। तो स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं कंट्रोल बी। तो अगर हम बात करें सिंपल इफ़ का, तो ये स्टेटमेंट सिंटेक्स था। अगर हम इफ़ एल्स के सिंटेक्स की बात करें तो उसका सिंटेक्स होगा इफ़, इफ़ के ब्रैकेट में कंडीशन, उसके बाद स्टेटमेंट्स जो भी आपको लिखने हैं, देन जो एल्स है वो यहाँ पर आ जाएगा कॉलन साइन। ये जो इफ़ एल्स है वो दोनों एक सीध में होंगे, और जो भी स्टेटमेंट हम एल्स में देना चाहते हैं उसको हम थोड़ा यहाँ पे अंदर की तरफ डाल देंगे कुछ इस तरीके से, और हम जो भी देना चाहते हैं यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। ये हमारे जो डॉटेड साइन है ये स्टेटमेंट को शो कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। इफ़ और एल्स दोनों एक सीध में होंगे, और ये जो स्टेटमेंट थे इफ़ के और एल्स के, ये दोनों एक सीध में होंगे, क्योंकि इंडेंटेशन का ख्याल रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि इफ़ और एल्स लगा दिया है। इसका इसका जो तरीका है चलने का वो क्या है, कभी भी आप एल्स के बाद कंडीशन नहीं लगाओगे। पहली चीज़, इफ़ में हमेशा कंडीशन रहती है। ये चलता कैसे है, इफ़ में एक कंडीशन लिखी जाएगी और जब प्रोग्राम चलेगा तो इफ़ की कंडीशन को चेक किया जाएगा। इफ़ की कंडीशन ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। तो अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ का जो स्टेटमेंट है, हमने दो स्टेटमेंट इफ़ के अंदर दिए हैं, तो ये दोनों एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ये दो जो स्टेटमेंट हैं इफ़ के वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, और उस टाइम पर वो कंट्रोल जो है वो एल्स के पास चला जाएगा। अच्छा, एल्स की अपने कोई कंडीशन है नहीं, तो इसका मतलब है कि एल्स तो चलेगा चलेगा। तो अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल सीधा एल्स में जाएगा और एल्स के जो स्टेटमेंट है उनको एग्जीक्यूट कराएगा। तो इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो इफ़ के स्टेटमेंट चलेंगे, एल्स की कंडीशन ट्रू है तो एल्स के स्टेटमेंट चलेंगे। तो एल्स कब चलने वाला है, जब इफ़ नहीं चलने वाला। तो इन दोनों में से कोई एक ही चलेगा, या तो इफ़ या फिर एल्स, कभी इफ़ कभी एल्स, क्योंकि जिसकी कंडीशन ट्रू होगी वो चलने वाला है। तो ये हो गया हमारा सिंटेक्स। अगर हम इसको एग्जांपल के रूप में प्रोग्रामिंग में यूज़ करना चाहें तो हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और पूरा कर सकते हैं कि क्वेश्चन बना दिया जाए कि चेक करके बताना है कि यूज़र ने जो नंबर डाला है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो अभी हमारा जो प्रोग्राम है वो सिर्फ पॉजिटिव बता पा रहा था, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही कंडीशन लगाई थी कि अगर एन जीरो से बड़ा है तो उसको पॉजिटिव बोले। अच्छा, अगर n 0 से बड़ा भी नहीं और बराबर भी नहीं है तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो माइनस की वैल्यू होगी, तभी ये कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि माइनस की वैल्यू नेगेटिव होती है और ये कंडीशन को फॉल्स कर देगी। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इफ़ तो हमने लगा ही रखा है इसमें, इसी में हम एल्स लगा देंगे और एल्स में प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करके उसमें मैसेज दे देंगे कि ये जो वैल्यू यूजर ने इनपुट करी है वो नेगेटिव वैल्यू है, कुछ इस तरीके से। तो पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो पॉजिटिव मैसेज देगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो नेगेटिव मैसेज देगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव को डील कर लिया हमने इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करके। रीज़न यहाँ पर दो कंडीशन थी और दो कंडीशन को हैंडल करने के लिए इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसको एक बार रन करके भी देखेंगे ताकि और क्लियरिटी आए।
तो अभी हम F5 प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे, तो हमसे यहाँ पर वो नंबर मांग रहा है, तो हम पहले देते हैं 17। तो जैसे 17 एक पॉजिटिव नंबर है तो हमें मैसेज मिलना चाहिए पॉजिटिव। तो देखो हमने जैसे ही एंटर किया तो उसने हमें पॉजिटिव दिया। ओके, हम इस प्रोग्राम को एक बार और रन करेंगे। तो हमने फिर से F5 प्रेस किया और हम यहाँ पर फिर से एक नंबर देते हैं, लेकिन अब की बार जो नंबर देंगे वो एक नेगेटिव नंबर होगा, जैसे कि हमने दिया -45। तो हम जैसे ही एंटर करेंगे तो देखो ज़रा ध्यान से यहाँ पर नेगेटिव मैसेज आ रहा है। क्यों? क्योंकि इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो गई है -45 पे, तो फिर वो एल्स में आया होगा और एल्स में उसने नेगेटिव लिखा था, इसलिए उसने नेगेटिव मैसेज के रूप में डिस्प्ले किया। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा इफ़ भी चल रहा है, हमारा एल्स भी चल रहा है, अलग अलग सिचुएशन पे दोनों एक साथ नहीं चल रहे हैं, क्योंकि यही फ़ायदा है इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करने का, कि स्टेटमेंट्स कंट्रोलेशन में आ जाते हैं। जैसे कि ये जो प्रिंट है वो इफ़ के कंट्रोलेशन में है और ये वाला जो प्रिंट है वो एल्स के कंट्रोलेशन में है। ये स्टेटमेंट तब चलेगा जब इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी और ये स्टेटमेंट तब चलेगा जब एल्स की कंडीशन ट्रू होगी। चूँकि एल्स की कंडीशन नहीं है तो एल्स कह रहा है कि जब इफ़ नहीं चल पाएगा तो हम चल पाएंगे, तो जब इफ़ चलेगा तो ये स्टेटमेंट, इफ़ नहीं चल पाएगा तो एल्स का स्टेटमेंट यानी कि ये वाला प्रिंट एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से हमने समझा कि हम इफ़ स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं, यानी कि जब सिंगल कंडीशन होती है तो हमें सिंपल इफ़ स्टेटमेंट का सहारा लेना पड़ता है, और जब हमारे प्रोग्राम में दो कंडीशन आ जाती हैं तो उस टाइम पर हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है और एग्जाम्पल के थ्रू कैसे हम उसको यूज़ करते हैं ये भी हमने सीखा। तो अभी हमने इस सीरीज़ में पार्ट 2 में इफ़ स्टेटमेंट के दो पार्ट यानी कि सिंपल इफ़ और इफ़ एल्स को सीख लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बाकी के स्टेटमेंट्स को, क्योंकि बाकी के स्टेटमेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं, उनका क्या सिंटैक्स होता है और कब हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है जब हम उन्हें यूज़ करें। तो आशा करता हूँ आपको इतना आज का जो मैटर हम डेटा समझाया है वो समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, इसके जो अदर बचे हैं उनको कम्प्लीट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।